बीएचयू अस्पताल में पत्रकार पर हुए हमले का पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने विरोध किया, कहा यदि कार्रवाई नहीं होती है तो प्रदर्शन करेंगे। आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने कहा कि 21 सितंबर को पत्रकार ओंकार नाथ के साथ बीएचयू के इमरजेंसी वार्ड में बांसुरों द्वारा किए गए आपराधिक हमले में अब तक कोई भी गिरफ्तारी नहीं की गई है। इसी प्रकार कल पत्रकार प्रहलाद पांडे पर पुनः बीएचयू के बांसुरों द्वारा किए गए आपराधिक हमले के मामले में अब तक थाना लंका में एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि यह स्थिति अत्यंत ही गंभीर है और प्रशासन द्वारा इन बाउंसरों को खुला प्रशय दिए जाने की ओर इशारा करता है। उन्होंने अविलंब इन दोनों मामलों में समस्त दोषी अभियुक्तों की गिरफ्तारी की मांग की है और कहा कि यदि 28 सितंबर तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो आजाद अधिकार सेना और वे स्वयं 29 सितंबर से बीएचयू इमरजेंसी वार्ड के सामने धरना प्रदर्शन करेंगे। 21 सितंबर को बीएचयू के इमरजेंसी वार्ड में पत्रकार ओंकार नाथ पर बाउंसरों द्वारा किए गए दुर्दांत आपराधिक हमले में अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसी प्रकार कल 25 तारीख को पत्रकार प्रहलाद पांडे पर बाउंसरों द्वारा किए गए एक अन्य आपराधिक हमले में एफआईआर तक दर्ज नहीं हुआ है। आजाद अधिकार सेना इन दोनों मामलों में अविलंब समस्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी की मांग करती है। यदि ऐसा नहीं होता है तो 29 सितंबर को हमारी पार्टी और मैं स्वयं बीएचयू के इमरजेंसी वार्ड के सामने धरना प्रदर्शन करेंगे।